सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम 70,000 के बजट में आने वाले बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको कैमरे की क्वालिटी टॉप नोच मिल जाएगी, जिससे आप प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो ये फोन बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी लेके आने वाले हैं। साथ ही इन फोन्स में आपको प्रोसेसर भी फ्लैगशिप मिल जाते हैं, जिससे आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग या कोई भी हैवी यूजर्स करते हैं, ये फोन तगड़ी परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन। दोस्तों, गूगल का ये फोन क्लीन यूआई और एआई के कई फीचर्स के साथ आता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है गूगल का प्रोसेसर गूगल टेंसर G3, जिसमें आप डे टू डे के काम आराम से कर पाएंगे। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 10.5 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.2 इंच की ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और ओलेड डिस्प्ले में कंटेंट देखने में क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, एसडीआर 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 2000 हर्ट्ज की मिल जाती है। और ये फोन IP68 की रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4575 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 27 वाट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 71,999 में मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है Xiaomi 14 स्मार्टफोन। दोस्तों, Xiaomi का ये फोन एक काफी पावरफुल स्मार्टफोन है, जो कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 8Gen 3 प्रोसेसर, जो Qualcomm का फ्लैगशिप चिपसेट है, और ये फोन अराउंड 2 मिलियन का इंट्रोड्यूस को लेके आता है, जिससे इसमें आप गेमिंग भी स्मूथली कर पाएंगे। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और ये कैमरा लाइका की कोलैबोरेशन के साथ मिलते हैं, जिसने इसके कैमरा डिपार्टमेंट में तगड़ा काम किया है। और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसके रियर कैमरे से आप 8K में और फ्रंट कैमरे से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.63 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट, डॉल्बी विजन और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 4610 mAh की बैटरी लेके आता है, और चार्जिंग इसमें 90 वाट की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 69,999 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Vivo X100 स्मार्टफोन। दोस्तों, Vivo की इस सीरीज में कैमरे में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आपको Vivo का कोई कैमरा सेंट्रिक फोन लेना हो जो प्रोसेसर वाइज भी अच्छा हो, तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर, जो कि MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट है, और इसमें आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर पाएंगे। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 3000 हर्ट्ज की मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये 5000 mAh की बैटरी लेके आता है, और चार्जिंग इसमें 120 वाट की मिलती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 69,999 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है OnePlus 12 स्मार्टफोन। दोस्तों, OnePlus का ये फोन डिजाइन वाइज तो प्रीमियम दिखता ही है, साथ ये फोन इस बजट का एक ऑलराउंडर फोन भी है, जो सारे फीचर्स तगड़े लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm का फ्लैगशिप चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8Gen 3, जो कि Qualcomm का मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी का LYT 800 सेंसर यूज किया गया है, और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX581। इसके अलावा इसमें 4th Gen Hasselblad की कोलैब भी देखने मिलती है, और फ्रंट कैमरा ये 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.82 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 4500 निट्स की मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5400 mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग ये फोन 100 वाट की लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 69,990 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर
दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर वन पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आईफोन 15। दोस्तों आईफोन्स हमेशा से अपनी तगड़ी कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही ये एक ब्रांड वैल्यू भी लेके आते हैं, तो आप इस डिवाइस को भी ले सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है एप्पल A16 बायोनिक 5G चिपसेट, जो कि बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको कंटेंट देखने में क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 3349mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 20W की मिल जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें IP68 की रेटिंग, 2000 nits ब्राइटनेस और iOS वर्जन 17 भी मिल जाता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 69,999 में मिल जाता है।